एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा मिडिवल हिस्ट्री के साथ। तो देखिए, इससे पहले हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे थ्रू हैंड रिटन नोट्स। काफ़ी कुछ हमने इसमें पढ़ लिया था, बट कुछ चीज़ें रह भी गई हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि आप उस सब्जेक्ट से बोर हो गए हैं और सभी कह रहे थे कि मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट कीजिए, मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट कीजिए। तो अब मैं मिडिवल हिस्ट्री के हैंड रिटन नोट्स के साथ आई हूँ, प्लस जो इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक्स रह गए हैं वो भी मैं बीच बीच में वीडियोज अपलोड करती रहूँगी और दोनों पैरेलली हमारे चलते रहेंगे। फाइन, तो ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है कि उसमें कुछ टॉपिक्स रह गए हैं तो कैसे कवर होंगे। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। ठीक है, तो अरब आए, उन्होंने सिंध पे कब्जा किया, है ना, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ से तीन चार क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपको बताती चलूँगी कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं। तो आप बस पेपर पेन साथ में रखिए और नोट्स अपने बनाते रहना, जैसे आप इंडियन ज्योग्राफी के नोट्स बना रहे थे शुरू से, वैसे ही इसको भी बनाते रहना। ठीक है, तो अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, सबसे पहले सिंध है कहाँ पर जिसकी बात हो रही है, तो ये पाकिस्तान में है। ठीक है, सो फर्स्ट मुस्लिम टू इन्वेड इंडिया। अब ये क्वेश्चन आता है, हमारी जो मिडिवल हिस्ट्री है ना उसमें थोड़ा सा राजपूत्स के बारे में बताते हैं, बट मेन फिर यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला ऐसा मुस्लिम कौन था जिसने भारत पर आक्रमण किया, तो वो थे मुहम्मद बिन कासिम। ठीक है, 712 ईडी में ये आए थे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अटैक किया सिंध पर। सिंध की कैपिटल थी अरौर, सिंध की कैपिटल को कैप्चर किया और सिंध था पाकिस्तान में। अब जिस टाइम इन्होंने सिंध पे कब्जा किया व उसकी कैपिटल को कैप्चर किया, उस टाइम पे वहाँ पे रूल कौन कर रहे थे, वहाँ पे राजा कौन थे, शासक कौन थे, तो वो थे दाहिर। ठीक है, वो रूल कर रहे थे उस टाइम सिंध में। मुहम्मद बिन कासिम आए, इनको हराया, इनको मार दिया केल्दिम, और उसके बाद कब्जा कर लिया सिंध पे और उसकी कैपिटल अरौर पे। अब देखिए, दो तीन चीज़ें हैं जो यहाँ पे पढ़ने वाली हैं। पहला तो ये कि इन्होंने ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिंध, सिंध का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कुछ संगठित रूप से नहीं था, वहाँ उसमें अच्छी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, तो इन्होंने क्या किया, उसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज किया। दूसरा था पीपल ऑफ सिंध स्टेटस जिमीज प्रोटेक्टेड सब्जेक्ट्स, ये मैंने काफ़ी शॉर्ट में लिखा है बट मैं आपको मीनिंग बता रही हूँ, तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप भी उसी हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, अब इस लाइन का मतलब ये है कि जो वहाँ के लोग थे, सिंध के लोग थे, उनको एक स्टेटस दिया गया, उनको कहा गया जिमीज, मतलब प्रोटेक्टेड सब्जेक्ट, मतलब उनकी प्रोटेक्शन का काम अब मुहम्मद बिन कासिम का है। ठीक है, अपने अंडर, अपने प्रोटेक्शन के अंडर उसने वहाँ के लोगों को ले लिया था। थर्ड पॉइंट बहुत ही अच्छा पॉइंट है, मतलब ये चीज़ आपको हिस्ट्री में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं मतलब रेयर जगह पे मिलेगी, नो इंटरफेरेंस इन द लाइफ्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पीपल। जो वहाँ के लोग थे, सिंध के लोग, उनकी ज़िंदगी कैसी चल रही है, उनकी प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं जमाया, जैसा चल रहा था वैसे चलने दिया, कोई छेड़खानी नहीं की। ठीक है, कोई इंटरफेरेंस नहीं की। अब हुआ क्या, जो मुहम्मद बिन कासिम थे अभी वो सिंध ही पहुँचे थे, उन्होंने उसके बाद मुल्तान पे कब्जा किया, अभी वो इंडिया की तरफ आ नहीं पाए थे। बट उस टाइम पे क्या होता है कि जो मुहम्मद बिन कासिम थे, ही वॉज रिकॉल्ड बाय कैलिफ, कैलिफ ने उनको वापस बुला लिया था। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं कि सिंध जो है उन्होंने वापस वहाँ के लोगों को दे दिया, नहीं, सिंध अभी भी अरबों के अंडर था। जो मुहम्मद बिन कासिम थे ये एक अरब थे, ठीक है, बाय कास्ट ये मुस्लिम थे, बाय रिलीजन ये मुस्लिम थे। ठीक है, नाउ वेस्टर्न इंडिया, अब देखिए ये इंडिया को कभी भी कैप्चर नहीं कर पाए, क्यों, क्योंकि जो उस टाइम वेस्टर्न इंडिया था वहाँ पे प्रतिहार किंगडम का रूल था और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी थी उस टाइम पे। ठीक है, देयरफॉर कुड नॉट एक्सटेंड देयर अथॉरिटी फर्दर इनटू इंडिया, इसलिए वो इंडिया में अपना जो बेस है ना वो ज़्यादा नहीं कर पाए थे। ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी उसमें और इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं, लेट मी एडजस्ट इट फर्स्ट। ओके, कल्चरल डिफ्यूज़न स्टार्ट हो गया। अब होता क्या है, इंडिया से जो कल्चर था, इंडिया का कल्चर था, उससे इफ़ेक्ट होने लगे अब जो अरब थे। नो फर्दर कॉन्क्वेस्ट, अब प्रतिहार की वजह से वो इंडिया नहीं आ पाए, फिर फर्दर कोई उनकी ऐसी युद्ध नहीं हुआ, कोई बैटल नहीं हुई, कोई जीत नहीं रही, कोई कॉन्क्वेस्ट नहीं हुई, तो उनका जो ये था ना, ये मतलब कहते हैं जो दायरा था, ये सिंध तक ही सीमित रहा। ठीक है, मैनी अरब ट्रैवलर्स विजिटेड सिंध, बहुत सारे अरब ट्रैवलर्स आए, वो सिंध में आए। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़र हो रहा होगा, ये इंडिया है, ये अरब अरब मतलब जो सिंध है वो जो ये अरब थे इनके पास आ गया था। ठीक है, और ये वेस्टर्न पार्ट है। अब वेस्टर्न पार्ट से बहुत सारे लोग यहाँ तक आते थे, इंडिया नहीं आ पाते थे, तो यहाँ तक आएंगे या यहाँ इंडिया की बाउंड्री तक आएंगे, फिर उनके बीच में जो है कल्चरल डिफ्यूज़न होगा, वो कल्चर की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ से सीख के जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियन मेडिसिन हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया,
इंडियन न्यूमरल्स हो गए इन अरेबिक फॉर्म। तो ये सारी चीज़ें इंडिया से एक तरह से कह सकते हैं एक्सपोर्ट होने लगा, ये जो व्यूज थे ये बाहर जाने लगे वेस्ट तक। ठीक है, तो देखिए अरब कॉन्क्वेस्ट हमने पढ़ लिया सिंध का, काफ़ी शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई है क्योंकि मुझे लगा कि जो प्रीवियस वीडियो थी काफ़ी ज़्यादा लेंथी थी, इसलिए आप इंडियन ज्योग्राफी की, इसलिए फिर आप थोड़ा बोर हो गए थे उस सब्जेक्ट से। सो आज हमने पढ़ा अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इससे पहले अगर आपको मुस्लिम्स जो है, जो ये इस्लाम है, इसका अगर आपको ओरिजिनेशन पता है तब आपको और भी अच्छे से समझ आएगी ये चीज़। ठीक है, सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। एक साथ आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, इससे पहले हमने पॉलिटी हैंड रिटन नोट्स की वीडियोस काफ़ी हद तक कंप्लीट कर ली हैं, नेशनल मूवमेंट्स हमने पढ़ लिए हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जैसे कि WTO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, WHO है, UNO है, वर्ल्ड बैंक है, इन सब के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। और इससे पहले हमने इंडियन ज्योग्राफी भी हैंड रिटन नोट्स के थ्रू काफ़ी हद तक पढ़ ली है, 15-16 या 17 लेक्चर्स आई थिंक कंप्लीट हुए हैं, बट और भी साथ साथ में हो जाएंगे। तो अगर आप इन सब चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं या इनमें से किसी भी कुछ भी पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर जाके आप जस्ट लिंक पे क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट का लिंक है, और आप सारी वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं अपने नोट्स बनाने में, क्योंकि सब कुछ हैंड रिटन आपको मेरे चैनल पे मिलेगा। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो टर्किश इन्वेजन्स हुए थे, मतलब जो महमूद गजनी आए थे, मोहम्मद गौरी आए थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। सो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको अच्छे से पता है क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक एकदम से नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड दैट्स इट गाइस, सी यू सून।